हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने कन्वर्स पार्ट किया था फंडामेंटल थ्योरम का। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर थ्योरी। देखिए, ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले मैं चाहती थी थोड़ा सा हमारा बेस क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले रिलेशन पढ़ाया था। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ नंबर थ्योरी। तो हम 6 से 7 लेक्चर्स अपने नंबर थ्योरी पे लेंगे और फिर हम फाइनली अपना जो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, हम उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से हम करेंगे नंबर थ्योरी। देखिए, नंबर थ्योरी मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ इतना कराऊंगी कि आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि जब ग्रुप में हम कुछ करें तो उसके अंदर आपको दिक्कत ना हो। बस मैं पूरा नहीं कराऊंगी यहाँ पे, 7 से 8 लेक्चर हम थोड़ा बेसिक पे हम बेसिक करेंगे अपने कंप्लीट, और फिर हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। तो नंबर थ्योरी में आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? आपने कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया। किसका लिया सबसेट? पॉजिटिव इंटीजर्स का, या पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, या आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने कोई भी एक सबसेट लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट लिया किसी पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो क्या, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपने कोई भी सबसेट लें किसका, पॉजिटिव इंटीजर का, तो उसके पास हमेशा एक लीस्ट एलिमेंट तो होगा ही होगा। यही कहती है हमारी वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। जैसे लेट सपोज कर लीजिए, मैंने एक सेट ले लिया जिसके अंदर कुछ ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये नॉन एम्प्टी है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये सबसेट होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स का, ये भी है। ठीक है, तो अब क्या कहते, और देखिए, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी इसके पास क्या मिल रहा है हमें? लीस्ट एलिमेंट मिल रहा है ना, वो क्या है? 10 है। ठीक है, तो अब इसकी हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या कहती है? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैज अ लीस्ट एलिमेंट। सो दैट मीन्स आपके पास कोई भी एक सेट हो और वो क्या हो, सबसेट हो पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो उसके पास में हमेशा एक सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे लीस्ट एलिमेंट मिलेगा, जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? बड़े होंगे। क्या होंगे? सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? बड़े होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस सेट में 10 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या है? बड़े बड़े हैं ना। तो यही हमारी कहती है द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम अब देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, सो ये क्या कहता है? जैसे लेट सपोज कर लीजिए, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या मैं ले लेती हूं सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है,
तो ये आपकी स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है, लेट सपोज कर लीजिए आपने कोई भी एक एस नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया किसी नेचुरल नंबर का, और उस सेट के अंदर क्या बिलोंग कर रहा है, वन आ रहा है। उस सेट के अंदर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। और ये क्या कहता है कि अगर उस सेट में के प्लस वन बिलोंग कर रहा है और के भी कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सेट क्या हो जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर के इक्वल हो जाएगा। जैसे लेट सपोज कर लीजिए, यहां देखिए इन्होंने ये क्या कह रहा है, के प्लस वन आपका एस में बिलोंग कर रहा है वेन एवर के बिलोंग्स टू एस, वेन एवर के बिलोंग्स टू एस। सो लेट सपोज कर लीजिए आपका के वन है, अगर के वन है तो वन प्लस वन दैट मीन्स टू बिलोंग करेगा एस में, अब अगर टू बिलोंग कर रहा है एस में सो टू प्लस वन दैट मीन्स थ्री बिलोंग करेगा एस में, सो अगर थ्री बिलोंग कर रहा है एस में तो थ्री प्लस वन भी बिलोंग करेगा, तो फोर भी बिलोंग करेगा एस में, अगर फोर बिलोंग कर रहा है एस में तो फोर प्लस वन दैट मीन्स फाइव भी बिलोंग करेगा एस में, ठीक है। सो दैट मीन्स ऐसे अगर हो रहा है, अगर के प्लस वन एस में बिलोंग कर रहा है, जब के बिलोंग कर रहा है एस में तो हमारा वो पूरा जो ये सेट है ना, ये पूरा का पूरा सेट किसके इक्वल हो जाएगा, नेचुरल नंबर के इक्वल हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं ऐसा कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसे हम प्रूव करते हैं। देखिए प्रूफ, हमें सबसे पहले क्या के दे रखा, हमें प्रूफ क्या करना है, बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि जो भी आप सेट ले रहे हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं नेचुरल नंबर का, वो पूरा का पूरा किससे, अगर ये सब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे थे, ठीक है। लेट सपोज कर लेते हैं, हम लेट सपोज कर देते हैं जो हमारा एस है वो सेट किसके इक्वल नहीं हो रहा, हमारा नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स अगर हमारा जो सबसेट है वो नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स इस एन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, इस एन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो किस में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, वो एस में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो लेट सपोज कर लीजिए मैंने उस सेट का नाम ले लेती हूँ टी, ठीक है। लेट टी बी अ सेट ऑफ दोस एलिमेंट टी में, मैं ऐसे या तो ऐसे ही लिख देते, रुको। अब मैंने क्या कर लिया, मैंने टी सेट ले लिया और टी के अंदर वो एलिमेंट्स, वो नंबर टी के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं नेचुरल नंबर के, सच दैट जब एक्स, जो एक्स में बिलोंग नहीं, सॉरी जो एस में बिलोंग नहीं कर रहे, तो इस टी के अंदर वो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जो क्या है, जो इस एस में बिलोंग नहीं कर रहे। तो हमें पता चल रहा है कि टी क्या होगा, एक तो नॉन एम्प्टी होगा, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर सपोज किया है, क्योंकि कि एस ना पूरा एस नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स कोई तो एलिमेंट होंगे ही होंगे टी के अंदर, ठीक है। सो दैट मीन्स टी इज नॉट एम्प्टी, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब देखिए अब हमें पता है टी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है और ये सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। पहली टी हमारा क्या है, सबसेट, एक टी एक तो नॉन एम्प्टी है और दूसरा टी क्या है, सबसेट है नेचुरल नंबर का। अब देखिए ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और ये किस में होता है ऐसा, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी में। सो हम लिख सकते हैं बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी टी के पास क्या होगा, टी के पास एक लीस्ट एलिमेंट होगा, टी विल हैव अ लीस्ट एलिमेंट, टी के पास क्या होगा, एक लीस्ट एलिमेंट होगा। अब लेट सपोज कर लेते हैं उस एलिमेंट को के, ठीक है, लेट के जो है वो एलिमेंट है जो टी में बिलोंग कर रहा है, वो क्या है, वो लीस्ट है, वो क्या है, लीस्ट है। सो दैट मींस के टी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो किससे बड़े हैं, वो के से क्या है, वो के से बड़े हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, क्या इसके अंदर देखिए हमारा
ये अब यहाँ पे आइए, हमारी ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट वन बिलोंग कर रहा है एस में. हम दैट मीन्स हमारा वन जो है वो किस में आ रहा है, एस में आ रहा है. तो दैट मीन्स टी में तो कभी वन आ ही नहीं सकता क्योंकि टी हमारा एस के अंदर है. सो दैट मीन्स वन डज नॉट बिलोंग्स टू एस, सॉरी वन टी, वन डज नॉट बिलोंग्स टू टी. जब हमारा वन टी में नहीं आ रहा तो जो ये के होगा ये हमेशा के जो होगा ये वन से तो बड़ा ही होगा, के वन से तो बड़ा ही होगा. ठीक है, जब अगर के वन से बड़ा है तो दैट मीन्स के हमेशा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ के माइनस वन हमेशा जीरो से बड़ा होगा. अगर मेरा के वन से बड़ा है, अगर मान लीजिए के मेरा टू है, मान लीजिए के टू है, तो मैं k माइनस वन करूंगी वो भी तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा क्योंकि k मैंने यहाँ क्या ले लिया है, वन ले लिया है. ठीक है, अगर k मेरा ग्रेटर देन वन है तो k माइनस वन भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, जीरो से हमेशा ग्रेटर देन होगा. और एक चीज बताइए, क्या k माइनस वन छोटा होता है या k छोटा होता है, k माइनस वन छोटा होता है. सो दैट मीन्स हमें k माइनस वन, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, सो हमें पता है k माइनस वन जो है वो छोटा होता है k से, ये हमें पता है. अब लेकिन हमने अभी क्या कहा, जो इस t के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, k है. तो क्या k माइनस वन तो k से छोटा है, तो क्या k माइनस वन हमारा t में हो सकता है, नहीं हो सकता. तो दैट मीन्स हमारा एक k माइनस वन किस में होगा, s में होगा. सो देयरफॉर k माइनस वन कहाँ बिलोंग कर गया, s में बिलोंग कर गया. और अभी मैंने उसकी दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर, क्या दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि k इफ अगर k प्लस वन हमारा s में बिलोंग करेगा, कब करेगा, ये क्या कहा था, k प्लस वन हमारा s में बिलोंग करेगा वेन एवर k belongs to s. तो अगर k हमारा s में है तो k plus 1 भी किस में होगा, s में होगा. सो अगर k minus 1 s में है सो दैट मीन्स k minus 1 plus 1 भी s में belong करेगा. तो ये तो कट गए, तो क्या हो गया, k हमारा किधर belong कर गया, s में belong कर गया. लेकिन हमने क्या लिया था, k हमारा कहाँ पे है, k तो हमारा t में था, k तो हमारा t में belong कर रहा था. तो ये तो contradiction आ गई, which is contradiction. इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन कि हमने जो चीज जहां ली थी वो तो किसी और में आ गई. सो दैट मीन्स जो हमने सपोज किया था, जो हमने सपोज किया था वही हमारा क्या हो गया, वही गलत हो गया. जो हमने सपोज किया था वही गलत हो गया. सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, एस किसके इक्वल हो गया, एन के ही इक्वल हो गया. एस किसके इक्वल हो गया, सो देयरफॉर एस किसके इक्वल हो गया, एन के इक्वल.